हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ का इतिहास, जो राजस्थानी हिस्ट्री का मुख्य टॉपिक है। आज हम इसमें पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में। मित्रों, उदय सिंह के बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आज हम उदय सिंह के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। उदय सिंह के बारे में बताने से पहले मित्रों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मेवाड़ इतिहास के वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जिनको इनकी आवश्यकता है वे इसे देख सके और इसका लाभ उठा सके। मित्रों, मेरी मेवाड़ इतिहास की जो वीडियो है वो आपके RAS और राजस्थान के अन्य जो उच्च श्रेणी के एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम है रीट, पटवार, पुलिस कॉन्स्टेबल और अन्य जो फर्स्ट ग्रेड इत्यादि जो जिनमें राजस्थान का इतिहास आता है, उन सब के लिए लाभदायक है। तो मित्रों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो शुरू करते हैं महाराणा उदय सिंह। मित्रों, महाराणा उदय सिंह के टाइम में मुगल बादशाह अकबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाकर क्या किया कि नागौर जो एक रियासत थी राजस्थान की, उसका किलेदार था जैमल राठौड़। ये बात है मित्रों 1562 की बात है। और इसने क्या किया, अकबर ने नागौर के जो किलेदार थे जैमल राठौड़, उनको हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। अब ये जो जैमल राठौड़ थे, ये बाग के उदय सिंह के पास आते हैं, उदय सिंह इनको शरण देते हैं। जैमल राठौड़ जब हार कर मेवाड़ के राजा उदय सिंह की शरण में चले जाते हैं, और उसके बाद मित्रों उदय सिंह जो है वो मालवा के शासक, जिसको अकबर ने हरा दिया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था, उन मालवा के शासक बाज बहादुर को भी शरण देते हैं। इस वजह से क्या था, अकबर जो था वो उदय सिंह से नाराज था। अकबर क्या था, उदय सिंह से नाराज था। इसके बाद मित्रों उदय सिंह और अकबर में तनातनी हो जाती है, तनाव का माहौल बन जाता है। मित्रों, अकबर ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह के पास संदेश भिजवाया कि तुम जयपाल, जैमल और बाज बहादुर को मुझे सुपुर्द कर दो और मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। उदय सिंह ने इस फरमान को नहीं माना। मित्रों, आप तो जानते ही हैं मेवाड़ रियासत हमेशा से ही अधीनता, किसी की भी अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में रही और हमेशा ही अपनी वीरता और स्वाभिमान की भावना के लिए प्रसिद्ध रही है। यही काम उदय सिंह ने किया और उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने मांडलगढ़, ये जो स्थान है ये है भीलवाड़ा में, और मांडलगढ़ के रास्ते अकबर ने क्या किया कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। और ये चित्तौड़ के दुर्ग पर जो घेरा डाला मित्रों, ये डाला 1567 में उसने घेरा डाल दिया चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आपात बैठक बुलाई भी, जब ऐसी स्थिति देखी उन्होंने, तो उन्होंने बैठक बुलाई और अपने जो सरदार थे उनसे मंत्रणा की कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो यह निर्णय लिया गया कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का जो कार्यभार है, उन जो दो सेनापति थे उदय सिंह के, जैमल और पत्ता, कौन थे मित्रों, जैमल और पत्ता, इन दोनों को सौंप कर और महाराणा उदय सिंह को गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाना चाहिए और उदयपुर जो वहाँ उन्होंने नगर बसाया है उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस निर्णय के तहत उदय सिंह जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, गोगुंदा। मित्रों, ये जो गोगुंदा है जहाँ पर महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक होता है, उदय सिंह ने इसको अपनी राजधानी बनाया था अपने संकट काल में। और इसी गोगुंदा में क्या होता है कि उदय सिंह जो है चले जाते हैं, मेवाड़ का सारा कार्यभार, चित्तौड़ के दुर्ग का सारा कार्यभार जैमल और पत्ता को सौंप कर यहाँ चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैमल और पत्ता वहीं रहकर अकबर के आक्रमण का जवाब देते हैं। एक मित्रों उदय सिंह के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है शक्ति सिंह। क्या नाम होता है,
शक्ति सिंह। ये क्या है कि उदय सिंह से नाराज होकर अकबर के दरबार में चली जाती है। ये अपने पिता से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उदय सिंह जो होते हैं वो अपने पुत्र महाराणा प्रताप को शासक नियुक्त कर देते हैं। इससे क्या शक्ति सिंह उसे नाराज हो जाते हैं और अकबर के दरबार में चले जाते हैं। लेकिन ये जो शक्ति सिंह है यही अपने पिता को उदय सिंह को अकबर के आक्रमण की सूचना देते हैं। अब मित्रों आप जानते हैं मोहर नगरी, ये मोहर नगरी क्या चीज़ थी, मोहर नगरी के बारे में जानते हैं। मोहर नगरी एक टीला था जिसका निर्माण अकबर ने करवाया चित्तौड़ के दुर्ग के समीप, बिल्कुल चित्तौड़ के दुर्ग के समीप एक टीले का निर्माण करवाया। और इस टीले का निर्माण उसने तब करवाया जब वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर उसने आक्रमण किया, उस वक्त उसने इस टीले का निर्माण करवाया। और इस टीले का निर्माण कराने में एक तगारी मिट्टी डालने वाले को उसने एक मोहर इनाम में दी, इसलिए ये स्थान प्रसिद्ध हो गया और इसको मोहर नगरी कहा जाने लगा। अब क्या मित्रों अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग के चारों तरफ से घेर लिया, चित्तौड़ के दुर्ग को घेर लिया चारों तरफ से, उस पर उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। 6 माह तक मित्रों ये लड़ाई चलती रही और चित्तौड़गढ़ की जो दीवार थी चारों तरफ बाउंड्री थी उसको उसने बारूद से उड़ा दिया। उसके पश्चात क्या होता है मित्रों, एक दिन क्या होते हैं जब बारूद से उड़ा दिया तो जैमल जो थे वो रात को क्या इस दीवार की मरम्मत करने लगे। तो जैमल राठौड़ जब मरम्मत कर रहे थे तो अकबर को इस बात का पता लग गया और अकबर ने अपनी संग्राम, उसकी बंदूक का नाम था संग्राम नामक बंदूक से जैमल को गोली मारी, बंदूक से गोली मारी और जैमल की जो एक टांग थी वो घायल हो गई मित्रों इसमें, या जैमल के पैरों में ये गोली लग गई। उसी रात राजपूतों ने निर्णय किया और दूसरे दिन युद्ध के लिए दुर्ग के फाटक खोल दिए। मित्रों बात है 24 फरवरी 1568 की। तो इस दिन क्या होता है कि राजपूतों में और अकबर में भारी घोर युद्ध होता है जिसमें राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध आक्रमण कर दिया फाटक खोलकर। और इस आक्रमण में क्या हुआ कि जैमल राठौड़ और पत्ता राठौड़ दोनों क्या है वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनका साथ में एक भतीजा भी होता है मित्रों। भतीजा कौन होता है, कल्ला जी। ये कल्ला जो है, कल्ला जी राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है और इनका जो प्रसिद्ध धाम है वो डूंगरपुर रेला में है मित्रों। ये कल्ला जी भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगले दिन मित्रों जो 25 फरवरी 1568 को फत्ता की पत्नी होती है मित्रों, उसका नाम है फूल कंवर। फत्ता की पत्नी होती है फूल कंवर, उसके नेतृत्व में 7,000 राजपूत महिलाएं, फूल कंवर के नेतृत्व में 7,000 राजपूत महिलाएं जौहर करती हैं। राजपूत महिलाएं जौहर करती है। इस प्रकार मित्रों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा साका था। साकों के बारे में जाने तो मित्रों चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 साके हुए थे। पहला साका हुआ था 1303 में जब राणा रतन सिंह वहाँ के शासक थे, और दूसरा साका होता है मित्रों 1534 ईस्वी में जब रानी कर्मावती वहाँ पे थी तब बाघ सिंह और उनके एक साथी वीरता से लड़ते हैं, उस वक्त भी साका होता है इसमें और कर्मावती जौहर करती हैं मित्रों, वो दूसरा साका था। और तीसरा साका भी इस टाइम होता है जब अकबर चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। इस तरह क्या है कि मित्रों ये तीसरा साका इसका पूरा होता है। अब जानते हैं मित्रों फूल कंवर के बारे में।
ये फूल कंवर जो थी वो जैमल राठौड़ की बहन थी और फतेह सिंह की रानी थी, मित्रों फत्ता की पत्नी थी। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया, तो इसी फूल कंवर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का तीसरा और अंतिम जौहर संपन्न किया था। इस तरह मित्रों इस युद्ध में क्या है कि बहुत ज़्यादा मुगल सैनिक मारे गए, क्योंकि 6 महीने तक ये युद्ध चला था, तो मुगल सैनिकों का जनधन की हानि हुई और जिनको देखकर अकबर क्या था बौखला गया मित्रों, तो उसने क्या किया चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम यानी कि वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको मार दिया जाए। ये जो कत्लेआम का आदेश है यह है अकबर का, अकबर पर प्रथम व अंतिम अमिट कलंक है जो किसी भी प्रकार हट नहीं सकता, क्योंकि मित्रों किसी का मृत्यु का बदला लेने के लिए अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया जाए तो उसकी जान वापस नहीं आती, और ये क्या है बहुत बड़ी अपराध होता है मित्रों, किसी को मारना बहुत बड़ा अपराध है। तो अकबर ने ये जो कत्लेआम का इसने आदेश दिया इसमें बहुत से लोगों की, निर्दोष लोगों की जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहते थे उनकी जान चली गई। इस तरह मित्रों इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।